हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी लोगों को, दोस्तों को। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आया हूँ उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर टॉपिक वही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक जो ये वेक्टर है, ये आपके 11th के लिए, 12th के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर के बिना तो हम फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते भाई। तो वेक्टर्स का टॉपिक हमारा ढंग से बढ़िया होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने वेक्टर टॉपिक पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज के सेशन में वेक्टर्स की पूरी थ्योरी वाइज करेंगे, और अगले सेशन में हम लोग इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोगों ने वेक्टर्स को बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करना, समझना है, रियलाइज करना है, और फिर साथ में आपने इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, दैट इज माई सेल्फ विजय कुमार, गोल्ड मेडलिस्ट। बच्चों, मैं अन अकेडमी पर भी मेरे लेक्चर्स आते हैं, और आप अन अकेडमी पर मुझे फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग अन अकेडमी पर मुझे फाइंड कर सकते हैं VJ1831 पर, और आप मेरे कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड VJ39। जैसे कि मैंने अभी तक 20,000 से अधिक बच्चों को मेंटर्ड किया है। किसके लिए किया है? नीट के लिए किया है, जेई के लिए किया है, सभी के लिए किया है। पर अब मेरा उद्देश्य बेटा यही है, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का भी उद्देश्य मेरा यही है कि मैं एक बार में बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर सकूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और दैट इज माई इंस्टीट्यूट, आपको पता सभी लोगों को बेटा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर, एंड वेक्टर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं, वेक्टर का सेशन शुरू करते हैं बेटा। पहली बात, हमने क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया है, और जो दो कैटेगरी हमारे पास हैं वो हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों हैं, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। और जो दो कैटेगरी में बांधी हुई हैं उसमें से एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर, और एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है? अगर हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के फर्क की बात देखेंगे, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है भाई, सिर्फ एक वैल्यू होती है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेंशन होता है, हमें मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है, उसके डायरेक्शन से हमें कोई लेना नहीं है, वो जो क्वांटिटी होती है उनको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम बात करें टाइम के बारे में, तो टाइम बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग जब भी घड़ी देखते हैं तो ये बोलते हैं ना कि 2 बज गए, 3 बज गए। आपने कभी ऐसा बोला कि जो 2 बज गए हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में बजे हैं, जो 3 बज गए वो साउथ डायरेक्शन में बजे हैं, 6 बज गए डाउनवर्ड है, 8 बज गए अपवर्ड है? ऐसा कभी मेंशन नहीं करते ना, पर हम लोग हमको पागल समझेंगे, ठीक है। तो टाइम में सिर्फ वैल्यू मेंशन होती है, वैल्यू मैटर करती है। इसलिए बेटा कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अगर मास की बात करें, हम किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं, चीनी लेने के लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया 2 केजी चीनी दे दो, 3 केजी चीनी दे दो। कभी आपने ऐसा बोला कि 2 केजी चीनी दे दो पर नॉर्थ की तरफ देना, 4 केजी चीनी देना लेकिन साउथ की तरफ देना, ठीक है? तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया बॉडी का, और भी बहुत सारी ऐसे करके हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू मैटर करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर उनकी डायरेक्शन भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सारी ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन मेंशन करना भी जरूरी हो, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे के लिए एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक बॉडी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो अगर बॉडी ऐसे करके डिस्प्लेस हुई है तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है कि बॉडी में डिस्प्लेस हुई है नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, या बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ। तो उसमें हमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है। तो जिस केस में डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है वो कहलाती है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी की सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया है,
एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। आई थिंक आपको दोनों के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे बात। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रखे थे कि लीनियर मोशन में हम जो स्केलर वेक्टर यूज़ करते हैं, वो जैसे लीनियर मोशन में हम जो स्केलर यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमारे पास स्पीड है। वेक्टर जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डी एक्सेलरेशन हो गया। तो ये वेक्टर्स की फॉर्म लिखी हुई हैं और ये स्केलर्स की फॉर्म लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी सिर्फ लीनियर मोशन के लिए लिखी गई हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं चीज़ें। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं आपके सामने एक स्पेशल क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये एक स्पेशल क्वांटिटी है क्योंकि इस क्वांटिटी की खास बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी है, अगर दोनों इसके पास हैं, लेकिन दोनों के होते हुए भी ये क्वांटिटी स्केलर होती है, तो दोनों के होते हुए भी ये क्वांटिटी स्केलर क्यों होती है उसका रीजन बता रहा हूँ मैं। दोनों के होते हुए क्वांटिटी स्केलर इसलिए क्वांटिटी होती है क्योंकि ये वेक्टर्स लॉस को ओबे नहीं करती है। इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, हमारे कुछ वेक्टर्स के एडिशन लॉज होते हैं जिनका नाम होता है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो। दूसरी कंडीशन, उसके पास डायरेक्शन हो। और तीसरी कंडीशन, इट मस्ट ओबे द एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर। ये एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर को ओबे भी करनी चाहिए, एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर। तो अगर आप लोग पूछोगे ये वेक्टर्स लॉज क्या होते हैं, तो वो आपको मैं थोड़ा आगे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो ये तीन कंडीशंस उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये पीछे कहाँ रहेगी? ये पीछे रहेगी कि ये वेक्टर्स के एडिशन लॉस को भी नहीं करती है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों। सभी को बड़ा पॉइंट क्लियर भाई। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन डेफिनेशंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशंस कैटेगरी में जो एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अगर बच्चों बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक हो, बट इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो जिसकी सिर्फ वैल्यू वन हो और वो रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो हम लोग ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं भाई। तो जिसके ऊपर टोपी है वो मतलब यूनिट वेक्टर है। इसकी वैल्यू हमेशा वन लिखेंगे और ये शो करेगा डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए आपने कई बार सुना हुआ, देखा हुआ आई, जे और के। जो आई कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ये एक्स एक्सिस का होता है। जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस का होता है। जो की कैब होता है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आपसे कोई बोले आई कैब का वैल्यू लिखो, तो आई कैब की वैल्यू तो वन होगी, पर ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पूछे भाई जे कैब क्या होता है, तो इसकी वैल्यू भी वन होती है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई पूछे की कैब क्या होता है, तो इसकी वैल्यू भी वन होती है और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है भाई। सभी को पॉइंट क्लियर भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास डेफिनेशन से पहले कुछ पॉइंट और बता रहा हूं मैं, एक पॉइंट और कि अगर हमारे पास ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
अगर हमारे पास बच्चों कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोग देखो एक बार। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मान लो सपोज करो आपसे कोई बोले ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपसे कोई बोले कि ए एक वेक्टर है तो पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा के, और वेक्टर हमेशा ऐसे ही लगाना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी डायरेक्शन ऐसे करके है, इसका मतलब खाली ये होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है। डायरेक्शन कैसे भी होती है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, पर जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम लोग कैसे करेंगे ऐसे करके वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि ऊपर ही डायग्राम है, मान लो ऊपर ही हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लो उसकी डायरेक्शन मान लो ऐसे करके है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इस वेक्टर की जो लंबाई होगी ये तो शो करेगा इसका मैग्नीट्यूड, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो होगा ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन, और सिंपली अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा ऐसे करके ए वेक्टर। जैसे इस वाले केस में दिखा रखा है कि ये जो लंबाई है ये शो कर रहा भाई मैग्नीट्यूड, ये एरो है वो शो कर रहा डायरेक्शन, और वेक्टर की खास बात क्या होती है, वेक्टर के जो ये वाला एंड होता है उसको बोलते हैं टेल, और जो एरो वाला एंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेड। तो वेक्टर के पास टेल भी है और वेक्टर के पास हेड भी है, ठीक है, तो जब हम सिक्का उछालते हैं हेड टेल करते हैं ना, तो ऐसे वेक्टर के पास हेड और टेल दोनों होते हैं। तो आपको मैंने अभी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी यूनिट वेक्टर की, अब मैं इसी के आगे आपको एक और डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। तो पहले आपको मैं इक्वल वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द इक्वल वेक्टर्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर, जैसे नाम से ही मालूम है इक्वल होनी चाहिए, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो सपोज करो कि एक वेक्टर हमारे पास सपोज करो ये है, मान लो ये ए वेक्टर है, और मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है और ये सपोज करो बी वेक्टर है, तो अगर दोनों वेक्टर्स की लंबाई बिल्कुल बराबर हो, मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का जी, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तो इन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो अगर दो वेक्टर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और सेम डायरेक्शन होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स। तो दीज आर द टू इक्वल वेक्टर्स, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर का ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर ऐसे करके मॉड लगा देते हैं, तो जिसके ऊपर मॉड लगा देते हैं वो शो करता है मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इनकी डायरेक्शन बराबर है, इसका मतलब इनका ए कैप और बी कैप भी बराबर है, ये दोनों खास बातें इनके अंदर है। तो दे आर द सेम मैग्नीट्यूड, दे आर द सेम डायरेक्शन, एंड दिस वैक्टर्स आर कॉल्ड द इक्वल वैक्टर्स, इन्हें बोलते हैं इक्वल वैक्टर। अब जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम और देखो बना हुआ है, इसमें ध्यान से अगर देखो, मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है, सपोज करो कि मेरे पास मान लो ये बी वेक्टर है, मान लो इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है भाई, इनका मैग्नीट्यूड तो मान लो बराबर है, सपोज करो बहुत ज़्यादा सेम मैग्नीट्यूड है, ऐसे करके दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर्स हो जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, तो जो ऐसे हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर्स, ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव वेक्टर्स। तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर्स। इसको भी हम लोग लिखते हैं ऐसे करके कि ए वेक्टर जो है ना वो बराबर में माइनस बी वेक्टर भी है, इक्वल शो करता है कि दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल शो करता है दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन ये माइनस का साइन शो करता है दे हैव द अपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है भाई। अच्छा इसको अगर हम सिंपली लिखें तो इनका मॉड बराबर होता है,
दे आर द सेम मॉड, मॉड मीन्स इनकी वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है, बट डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल, तो यूनिट वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट शो करने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये जब भी दो वेक्टर्स में साइन माइनस का लगा हुआ ना, तो ये हमेशा शो करेगा डायरेक्शन हमेशा इनकी जो है वो सेम नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए मैं आपसे कुछ बातें और डिस्कस करता हूँ, ये भी देखो नेगेटिव वेक्टर्स हैं। अब मैं आपसे आज सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर डिस्कस करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इस समझना बहुत जरूरी है। आपके सामने कोई डायग्राम बना हुआ है, आपसे बोल रहे हैं कि सपोज करो कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करो ऐसे करके ए वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, राइट। और ये हमारे पास सपोज करो कि मान लो ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हमारे पास है बी वेक्टर, और ये वेक्टर ऐसे करके है, इसका टेल यहां पर है, इसका हेड यहां पर है। तो अगर दो वेक्टर्स कि हेड और टेल आपस में मिल रहे हो, हेड एंड टेल, ठीक है भाई, जैसे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल आपस में मिल रहे हैं, तो इनमें प्यार हो गया है, इनको बोलते हैं सेम ऑर्डर। और सेम ऑर्डर का मतलब है कि दोनों की थिंकिंग जैसी है, दोनों के प्रोसेस एक जैसे हैं, दोनों मिलके एक साथ चल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स आपस में मिलके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए हैं, मान लो ये वेक्टर्स हमारे मिलके इस वाले पॉइंट से मिलके इस वाले पॉइंट तक पहुंच गए, आपस में जुड़ के, ये ऐसे जुड़ के और ये ऐसे जुड़ के, तो इनका बोलते हैं सेम ऑर्डर। कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मीट कर जाए तो उन्हें बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके यहां से लेके यहां तक पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दूं जो अकेला यहां से शुरू हो और यहां पर खत्म हो जाए, जो इनके बराबर काम कर दे, उसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का हमेशा जो ऑर्डर होगा वो हमेशा अपोजिट होकर जाएगा जी। अपोजिट का मतलब होता है कि एक वेक्टर के टेल से टेल मिलाएगा और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड मिलाएगा, उसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। तो सेम का मतलब हेड से टेल मिलनी चाहिए, और अपोजिट का मतलब टेल से टेल और हेड से हेड मिलना चाहिए। और ये वेक्टर अकेला इन दोनों के बराबर पहुंच रहा है ऐसे करके, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें आप अगर आर वेक्टर लिख दो, उसको रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर लिख दो, तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके जो काम कर रहे हैं वो आर वेक्टर के बराबर किया, आर वेक्टर इन दोनों के बराबर कार्य कर रहा है, इन दोनों के बराबर पहुंच रहा है, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट। जैसे इसमें भी देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके कि आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगल की तरह है, इसी को हम नाम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं मैं इसको, अगर मैंने लिखा कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर में है आर वेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो दो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज करो कि मान लो दो है, और बी वेक्टर का मान लो सपोज करो जो मैग्नीट्यूड है सपोज करो चार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर छः हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, ये स्केलर सम नहीं है, नॉट द स्केलर सम, ये स्केलर सम नहीं है बेटा इनका, ये इनका वेक्टर सम है। और वेक्टर सम का बेटा मतलब क्या होता है कि इनका इफेक्ट जो दोनों का मिलके है वो इफेक्ट इस अकेले के बराबर है। तो अगर ये इफेक्ट अकेले के बराबर है तो इसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर सम। इज दैट पॉइंट इज क्लियर सभी को जी? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है जी? सभी को पॉइंट सारे एकदम क्लियर होने चाहिए, मस्त एकदम, तभी कहानी पढ़ने का समझाने का मजा आता है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास वेक्टर सम, ठीक है, ये स्केलर सम नहीं है। हाँ अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको अलग से बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेटा कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ में क्या होता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लो मेरे पास सपोज करो कि एक वेक्टर मान लो ऐसे करके है,
सपोज करो ए वेक्टर, और मेरे पास दूसरा वेक्टर सपोज करो ऐसे करके मान लो बी वेक्टर, और दोनों पॉइंट वेक्टर ए की पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, हेड से टेल से टेल मिल रहा है, मुझे कहते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब भाई अगर इन दोनों का मुझको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं उसका मेथड क्या होता है हम लोग समझते हैं। पहली बात मैंने बताया कि जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ही आप उनका रिजल्टेंट निकाल पाओगे। पर इनका तो ऑर्डर सेम नहीं है, बी वेक्टर जा रहा है ऐसे करके, ए वेक्टर जा रहा है ऐसे करके, इनका तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो पहले इनको आप सेम ऑर्डर में लेके आओ। सेम ऑर्डर में कैसे लेके आएंगे, वेक्टर की खास प्रॉपर्टी होती है कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्शन को चेंज किए बिना, मतलब मैंने इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पर लगा दिया है, तो मैंने इस वेक्टर को यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, ये भी बी वेक्टर ये थी, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां से यहां पर लगा दिया, और अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इन वेक्टर का कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसी शेप पैरेललोग्राम की तरह हो गई है तो ये कहलाएगा पैरेललोग्राम लॉ। और इसके अंदर भी देखो, अब ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए, आर इनके बराबर काम कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और इनके बराबर में कौन काम कर रहा है, आर वेक्टर, ठीक है भी, तो आप इस चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर। तो एक था हमारा ट्राइंगल लॉ, ये था हमारा पास पैरेललोग्राम लॉ, और ये सारे वेक्टर एडिशन कहलाते हैं ये, ठीक है। इसी में अगर हम एक पॉलीगन लॉ को मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको, देखो पॉलीगन लॉ क्या होता है, पॉलीगन के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स मिला देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सपोज करो कि एक वेक्टर मान लो ऐसे करके है, मान लो एक वेक्टर ऐसे करके है, एक वेक्टर मान लो ऐसे करके है, मान लो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे वेक्टर, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो डी है, ये सारे मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहे हैं आपस में मिलके, तो अगर मैं इनके बराबर में एक वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ कर दूँ, अपोजिट ऑर्डर में समझिए ना कि इसके टेल से टेल मिलेगा और इसके हेड से हेड मिलेगा यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब आप बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर और प्लस में डी वेक्टर, ये इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और वेक्टर चैप्टर में ये रिजल्टेंट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना आता है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मैं वो भी तरीका समझाता हूँ कि रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका क्या होता है। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है जी, कि अगर आपको रिजल्टेंट की वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, देखो जी मान लो आपसे बोले कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको इसकी वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे आपसे बोले कि मान लो हमारे पास सपोज करो कि ये एक मान लो पी वेक्टर है, ये मान लो सपोज करो कि हमारे पास एक क्यू वेक्टर है, और आपसे बोले कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो पहली बात तो मैं इस वेक्टर को पहले यहां से शिफ्ट करूंगा और सपोज करो कि इनके बीच का एंगल थीटा है, सबसे पहले इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहां से यहां पर लेके आऊंगा, तो इस वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहां से यहां पर लेके आ रहा हूं जी, वेक्टर शिफ्ट हो गया, अब पी और क्यू सेम ऑर्डर में आ गए, तो मैं लिख सकता हूं कि पी वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर, और बराबर में लिखूंगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर दो मिनट के बाद। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसे करके, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, तो आर वेक्टर तो आ गया, लेकिन अब मुझे आर वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मुझे इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं चलो समझते हैं,
तो मैंने इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया एक्स्ट्रा, कि इसको थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड किया, इसको मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे करके दिया, इसकी मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी और ई, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा इसको आगे एक्सटेंड किया है और ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया, मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी है। और ये वेक्टर हमारे पास क्यू वेक्टर है तो इसका मॉड क्यू के बराबर ही है, ये पी वेक्टर है तो इसका मॉड पी के बराबर ही है, ये आर वेक्टर है तो इसका मॉड आर के बराबर ही है। ठीक है, अब ट्राइंगल बी ई सी की बात करते हैं, ट्राइंगल बी ई सी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें अगर मैं कॉस थीटा निकालू तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा बेस इज द बी ई अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज द बी सी। अच्छा, बी सी का मॉड तो क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर का मॉड मैंने क्यू माना है, तो मुझे मिल जाएगा बी ई अपॉन में क्यू, और यहां से अगर मैं बी निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा क्यू कॉस थीटा। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब हम बात करेंगे इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा के बारे में। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंगल के सामने हो जाएगा सीई अपॉन में, बेटा अगर हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो बन जाएगा बीसी, बीसी फिर से क्यू है, तो यहां से अगर मैं सी निकाल दूंगा तो बन जाएगा क्यू साइन थीटा। तो मेरे पास बी ई भी आ गया और मेरे पास सी ई भी आ गया, मेरे पास दोनों आ गए। अब बेटा अगर मेरे पास दोनों आ गए हैं तो अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा ए ई और सी को ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दो एक बार आप, तो पाइथागोरस कहती है ए सी का स्क्वायर बराबर में ए ई का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर। अगर ए की बात करें तो ए हमारे पास है ए बी प्लस में बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस में सी ई का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी की बात करें, ए बी हमारे पास कितना है पी, बी की बात करेंगे तो बी हमारे पास है क्यू कॉस थीटा और ये पूरे का होल स्क्वायर, और अगर सी की बात करेंगे तो क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ए सी की बात करेंगे तो ए सी आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, देखो कैसे, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा प्लस में क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाता है, प्लस में टू पी क्यू इंटू में कॉस थीटा बराबर में है आर का स्क्वायर। तो अगर आर निकालोगे तो आर का फॉर्मूला बन गया रूट में भाई पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर प्लस में टू पी क्यू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड आ गया आपके सामने भाई, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या सभी को बेटा बात समझ आई है भाई, सबको पॉइंट क्लियर है भाई? अच्छा, इसमें कई बार हमसे पूछते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? अगर उसको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालना भी सिंपल काम है। देखो जी, आप सिंपल डायरेक्शन में यहां से निकाल देते हैं एक बार से। तो अगर आपको यहां पर डायरेक्शन निकालना है, जैसे इसको मैंने पी माना था, इसको बेटा मैंने क्यू माना था, ये आगे मैंने एक्सटेंड किया था ऐसे करके, ये एंगल थीटा था हमारा। अब मुझे ये डायरेक्शन अल्फा एंगल निकालना है कि पी से इतना ऊपर जाएंगे तो आर मिलेगा, ये डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन बेटा कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऐसे करके, है ना? तो इसमें फॉर लगाओ टेन अल्फा का, डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर लगाओ टेन अल्फा का, और मैंने इसको नाम दिया था, मेरे ख्याल से इसको मैंने नाम दिया था, ये था हमारे पास ए, ये था बी, ये था सी, इधर था डी और ये था ई। तो फिलहाल टेन का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर इज द सी ई एंड बेस इज द ए ई, और ए ई को लिखूंगा मैं ए बी प्लस में बी ई, तो सी ई हमारे पास आया था क्यू साइन थीटा, ए बी हमारे पास है पी और बी हमारे पास है क्यू कॉस थीटा, और ये बेटा फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने का। ठीक है, अब तो मैं इसकी खास बात और बता रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, कि जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, एक सिंपल सा पॉइंट है जी, या आप इसको याद भी कर सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का ना
हम जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं वो पी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि पी से उतना ऊपर जाने पर मिलेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं वो वेक्टर फार्मूले के अंदर एक बार आता है, अकेले आता है, नीचे आता है। और जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, जैसे क्यू हो गया, वो दो बार आएगा, उसको बुरा लगेगा मेरे रिस्पेक्ट में निकाला ही नहीं, तो दो बार आएगा, ऊपर आएगा साइन के साथ, नीचे आएगा कॉस के साथ। आप डायरेक्शन का फार्मूला ऐसे भी आ सकते। तो आई होप सभी को बड़े सारे पार्ट समझ आए होंगे, सारी बातें समझ आई होंगी। तो एक बार आप इतना पार्ट पूरा रिवाइज कर लो, कल के सेशन में मैं वेक्टर का एक और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे, पर इतना पार्ट आपको रिवाइज होना चाहिए, एकदम बेटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, शुभ खैर, शुभरात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।